हेलो एवरीवन आउट देयर आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड टूडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर वन पॉइंट थ्री विच इज द कॉप एंड द एंथम ओके सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट डज कॉप मीन ओके सो देखो अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते हो फिर हमें आजकल बहुत सुनने मिलता है आई एम गोना कॉल द कॉप्स ठीक है तो व्हाट डज दिस मीन कॉप्स बेसिकली होता है पुलिस सो so, मैं पुलिस को अभी कॉल कर दूंगी इस तरह से हमें बहुत सुनने को मिलता है सो बेसिकली कॉप्स मीन्स होता है पुलिस बस इतना समझ लो अभी एंड नेक्स्ट थिंग द एंथम देखो एंथम क्या होता है जो हमारी देखो मॉर्निंग प्रेयर होती थी स्कूल में तो उसे भी हम एंथम कहते थे इसी तरह से रिलीजियस एंथम्स होते हैं तो यहाँ पे क्या हो रही है बात किस चीज़ की, की बात हो रही है पर्टिकुलरली किस एंथम की बात होगी प्रेयर की ठीक है जो हम चर्च वगैरह में प्रेयर करते हैं तो जो प्रेयर सॉन्ग होता है बेसिकली उसकी बात है ओके सो so, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखो हैडिंग में हमें पूरा चैप्टर तो नहीं समझ आ सकता तो यहाँ पे बस हम इतना देख लेना ओवरऑल कि यहाँ पे एक पुलिस की बात हो रही है और एक एंथम की बात हो रही है उन दोनों का ऑफकोर्स कुछ को होगा विच वी विल अंडरस्टैंड लेटर ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इधर देख लेते हैं हम लोग ओके सो हमारे राइटर है ओ हैंनरी ओके जिनकी तस्वीर हमें यहाँ पर दी हुई है ठीक है लेकिन इनका इनको हम जानते हैं ओ हेनरी के नाम से लेकिन इनका जो एक्चुअल नेम है वो क्या है विलियम सिडनी पोर्टर ओके विलियम सिडनी पोर्टर जो हमारे ओ हैंनरी है अब ऐसा होगा किसी को ऐसा डाउट अगर आ रहा है कि तो हम इन्हें ऐसा क्यों कहते हैं हम इनसे इन्हें ओ हैंनरी के नाम से क्यों जाते हैं तो देखो हमारी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ भी है जिनका स्टेज नेम कुछ और होता है और एक्चुअल में उनका रियल नेम कुछ और होता है तो ये इनका पेन नेम है ठीक है यानी कि इस चीज़ से ये फेमस है ओ हैनरी से मगर इनका रियल नेम क्या है विलियम सिडनी पोर्टर ठीक है ये अमेरिकन राइटर है ओके तो हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ देने ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर बहुत डिटेल्स वगैरह दी हुई द रोलिंग स्टोन उन्हें शुरू किया था वो फेल हो गया फिर उन्होंने यू नो हॉस्टन पोस्ट ज्वाइन किया एज अ रिपोर्टर वगैरह ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है बस मैंने आपको इतने ऊपर से बता दिया ठीक है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये स्टोरी क्या चीज में होने वाली है और इसका थोड़ा ओवर ऑल हम ऊपर से रिव्यू कर लेते कि डीपली हमें और अच्छे से समझ में आए आगे चल के ओके सो द स्टोरी द कॉप एंड द एंथम इज वन ऑफ द इज वेल नोन स्टोरी तो ये द कॉप एंड द एंथम को बस आपको ऐसे ही पढ़नी नहीं लेना बहुत दिल लगा के पढ़ना है क्योंकि इनका एक ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज है ओके okay? इस तरह से है ये okay? ओके तो इनका जो लिखने का तरीका था उनको बहुत से लोगों ने कैसे डिस्क्राइब किया है स्माइल विथ टीयर्स ठीक है होटे पे मुस्कान और आंखों में ऐसे आंसू होते थे और ह्यूमरियस भी होता था ओके इस तरह से ठीक तो है तो ये यही बताया गया इन दिस स्टोरी द मेन कैरेक्टर सोपी ठीक है इस स्टोरी का यू नो द हीरो ऑफ दिस स्टोरी इज सोपी ठीक है इधर का मेन कैरेक्टर कौन है सोपी हमें इसके बारे में ही पूरी चैप्टर में पढ़ना है ओके तो सोपी यहाँ पे का एक मेन कैरेक्टर है सोपी कौन है एक वेगा बॉन्ड है ठीक है एन अ पर्सन विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड वेगा बॉन्ड कौन होता है देखो वेगा बॉन्ड इज अ पर्सन जिसके पास कुछ घर संसार नहीं है वो इधर से उधर भटकता रहता है बस यू you नो know, आज इधर है तो कल उधर है वेगा बॉन्ड बेसिकली इज लाइक समवन हु डज नॉट बिलोंग एनी वेयर ठीक है वो बस एक ऐसे ही आवारा आदमी है इधर से उधर जाता रहता है कहीं पर कुछ काम मिल जाए तो करता है खाता है नहीं मिले तो कुछ चोरी चकारी करता है क्योंकि उसका क्या है क्रिमिनल बैकग्राउंड ओके नाव आप बोलोग की ही इज़ वेरी डेंजरस देन उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड या तो देखो अफकोर्स उसका कोई ऐसा बड़ा क्रिमिनल बैग्राउंड नहीं है उसने मर्डर वगैरह बिल्कुल नहीं किया वरना वो अभी ऐसे जेल में होता ऑफकॉर्स उसकी कहानी हमें नहीं पढ़ने मिलती ठीक है उसके छोटे मोटे क्राइम है इधर से चोरी करना छोटी चीज ये करना ओके okay? किसी को यू you नो know, ऐसे थ्रेटन करना थोड़ी बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं बाकी ऐसे कोई बड़ा कुछ मेजर वाला क्राइम नहीं है ओके ही मेक्स डिफरेंट प्लान टू री एंटर द्रीजन एज ही हैज नो शेल्टर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द सवेयर विंटर ओके तो देखो वो क्या करता है हमारा जो सोपी है जिसका थोड़ा सा यू you नो know, क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो क्या करता है हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे प्लान्स बनाता रहता है जिसकी वजह से वो जेल में प्रिजन में बार बार एंटर हो अब किसको शौक है प्रिजन में जाने का अफकोर्स किसी को नहीं लेकिन यहाँ पर एक्चुअल बात यह है कि सूबे के पास कोई जगह ही नहीं है रहने के लिए ठीक है जब जि जब सर्दी होती बहुत ज़्यादा देखो हमारे यहाँ तो इंडिया में यू नो आई एम फ्रॉम मुंबई तो हमारे यहाँ से हल्की फुल्की सर्दी होती लेकिन कुछ कंट्रीज़ में बहुत सवैर वाली सर्दी होती है मतलब वो बर्दाश्त के बाहर है हमारी तो ऐसे ऐसे माहौल में ऐसे वेदर में वो कैसे सरवाइव करेगा जब उसके पास घर भी नहीं है ना वो कहीं पे प्रोटेक्ट रह सकता है तब उसने क्या सोचा कि वो क्या करता है हमेशा छोटे मोटे से ऐसे प्लान्स बनाता रहता है चोरी करना इसको यू नो हल्का मार देना इसकी कुछ तोड़ देना ताकि ये सब चीज़ से वो क्या वो जेल में चला जाए ठीक है और वो जेल में जाएगा जेल में ही रहेगा तो उसको ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है ना कि मैं कहाँ रहूँ उसका तो एक यू नो तक इस ऐसी उसकी सोच है सोपी की ओके okay? कि मैं जेल में ही रहूँगा आराम से पूरी सर्दी मेरी निकल जाएगी इस तरह से ओके द हैंनरी द स्टोरी एंड इन एन अनएक्सपेक्टेड वे ओ हंड्रेड डिपिक्टेड सोपीज फॉर दैट अटेम्प टू गिव ओके तो इस जगह पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सोपी ने किस किस तरह से क्या क्या किया था ताकि वो जेल में जा सके बार बार क्योंकि उसने बहुत से किए थे जिसकी वजह से वो जेल में जा सके और हम ये एक बहुत यू नो मजाक या यू नो ह्यूमेरियस वे में पढ़ने वाले हैं ओके नाउ द कॉपन द एंथर इज अबाउट फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट इनिशियली सोपी फील्स दैट दर इज अ फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज एंड वरीज इन अ कन्फाइनमेंट ओके तो देखो इस इस स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं देखो हमने ये तो देख लिया कि सोपी की स्टोरी पढ़ने वाले जो बार बार क्या करना चाहता है जेल में जाना चाहता है ठीक है और सोपी क्यों जेल में जाना चाहता है क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि जो भी उसकी परेशानियाँ हैं वो सब हल हो जाएगी उसको जेल में जाके प्रिजन में जाके एकदम आज़ादी मिलने वाली है ओके उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं शेल्टर वगैरह का ठीक है और क्या होता है ना कि जब वो ऐसा पूरा प्लान कर लेता है सब कुछ अटैम्प्ट कर लेता है तो उसके कानों में ना एक एंथम की आवाज़ आती है ठीक है कुछ नोट्स सुनता है वो एंथम के लाइक कुछ लाइन्स सुनता है जो उसको बहुत डीपली यू you नो know, टच करते हैं उसके उसको ठीक है इं इंटरनली वो बहुत उससे ऐसा इंस्पायर होता और उससे है और उसे ऐसा कि नहीं ये सब मैं बहुत गलत सोच रहा था कि जेल में जाके मुझे क्या हो जाएगा फ्रीडम मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बल्कि अब से मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत वर्क करूँ और एक अच्छी लाइफ जीऊँ ठीक है लेकिन 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 लाइफ इज नॉट दैट इज फॉर एनी वन ठीक है किसी के लिए भी लाइफ इतनी आसान तो नहीं है तो जैसे ही सोफी ये डिसाइड करता है इट्स सॉरी तो ये डिसाइड करता है वैसे ही उसके लाइफ में यू you नो know, एक ऐसा सडन चेंज आता है जिसे हम कहते हैं आयरनी ठीक है जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है लाइक like, जब उसने सोचा होता है कि मैं अब अच्छे से जिंदगी जोगा तो उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है लाइक like, सी क्या होता है ओके नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर ओके सोपी लेफ्टज बेंच एंड स्क्रोल्ड आउट ऑफ द स्क्र एंड अक्रॉस द लेवल ऑफ सी एफ एस एल्फ वेयर ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू फ्लो टूगेदर अप्रॉडवे ही टर्न एंड स्टॉप एट द लग्जूरियस कैफे तो देखो बेंच बेसिकली बेंच क्या है एक गार्डन है गार्डन में बेंच है उस पे ये सोपी बैठा हुआ था हमारा ठीक है ये मैंने कुछ अलग बना दिया बट ही सोपी यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दिस तो ये सोपी है और वो एक बेंच पे बैठा हुआ था और वो अचानक क्या होता है उठता है ठीक है खड़ा होता है और बहुत यू नो स्क्रोल करते हुए यानी कि एकदम अंगड़ाई लेते हुए आराम से लेजिली वॉक करने लगता है ठीक है चलता है और वो किस तरफ चलता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे यू you नो know, दो रास्ते हैं एक ब्रॉडवे है और एक फिफ्थ एवेन्यू है ठीक है और ये हमारा सोपी किस तरफ जाता है ब्रॉडवे की तरफ इधर वो चलने लगता है इस तरफ ये भी एक रास्ता ये क्या है ये ब्रॉडवे है हमारा और ये क्या है ये हमारा फिफ्थ एवेन्यू है जो दोनों साथ गुजर रहे है, ठीक है लेकिन सोपी कौन सा रास्ता फॉलो करता है ये वाला ब्रॉड एवेन्यू वाला ठीक है तो ब्रॉड एवेन्यू की तरफ चलने लगता है ठीक है पे वो क्या करता है एक क्या हम बोल सकते है, five -star cafe जो है बहुत बहुत है 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 ठीक बहुत बहुत महंगा वो करता पे जाता है। लेकिन हमारा सोपी क्या अफोर्ड कर सकता है उसे नहीं कर सकता क्योंकि वो तो एक यू नो वेगा पॉइंट है ना तो अब आगे देखते हैं क्या होता है तो सोपी हैड कॉन्फिडेंट इन बार्थ बार्थ तो सोपी हेड टू टो पैर की जो हमारा टो होता है वहाँ से लेकर हेड तक पूरा अपने आप में कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसने वैसा पूरा अपना अटायर अपना लुक जो था वो वैसा करके आया था कि किसी को भी कोई शक नहीं होने वाला ठीक है वो कैसा था वो पूरी तरह से शेव किया हुआ था क्लीन शेव उसका कोट जो था वो बहुत ही यू नो नीट क्लीन एकदम ऐसा लगेगा हु इज दिस मैन ऐसा था ठीक है एंड ब्लैक बो हैड बीन प्रेजेंटेड टू हिम बाय अ लेडी मिशीनरी ऑन थैंक्स गिविंग डे तो उसने कोट पहना हुआ था बहुत अच्छे से वो आयरन हुआ था बहुत नीट था बहुत क्लीन था और उसी ने साथ में क्या लगाया था बो हम कोट में बो लगाते हैं ना ये पॉकेट में हाँ तो वो बो उसको कहाँ से मिला था एक लेडी मिशनरी मशीनरी देखो कौन होता है ना वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस अल्सो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें जाननी होती है मिशीनरी किसे कहते हैं पता है जो भी अपने रिलीजन को उसका मकसद होता है आगे बढ़ाना ठीक है समझो यहाँ पे जो लेडी मिशनरी ने दिया था इन्हें सोपी को वो बो उनका मिशन क्या था अपनी लाइफ में कि हमें हमारे रि, रिलीजन को क्रिश्चियनिटी को बहुत आगे बढ़ाना वो हर किसी के पास जाके बताते थे समझाते थे अपनी अच्छाइयाँ बताते थे कि आपको भी ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ऐसे मतलब ऑफकोर्स दे गिव चॉइस मगर दिस इज़ वॉट दे डू ओके तो उनको वो मशीनरी लेडी मशीनरी ने थैंक्स गिविंग डे में दिया था सोपी को वो वो गिफ़्ट तो उसने वो भी पहन रखा था इफ यू कुड टेबल इन द रेस्टोरेंट अन ठीक है तो उसे ऐसा मतलब पूरा इसने इसलिए किया था बस सिर्फ और सिर्फ सोपी ने कि वो एक कैफे में जाके अच्छी तरह से बैठ सके बिना किसी को कोई शक हो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ ओके सक्सेस वुड बी ही ठीक है उसका यही है मकसद था The portion of him that would show above the table would has no doubt in the waiter's mind. तो देखो ये हमारा एक टेबल है और जो भी टेबल के ऊपर दिखता है हमारे टेबल के ऊपर क्या क्या दिखता है हमारा फेस दिखता है ठीक है हमारी अपर बॉडी दिखती है तो जो सोपी की अपर बॉडी थी वो इतनी अच्छी उसने सब चीज़ करके आया था कोट पहनना क्लीन शेव यू you नो know, बहुत वेल टू तो डू इंसान वो लग रहा था लेकिन नीचे जो दिख रहा था वो तो कुछ और ही था ओके okay? तो इसलिए किसी को उस पर कोई शक नहीं होगा ऐसा सोपी ने सोचा था और उसने साथ ही क्या सोचा था कि मैं क्या ऑर्डर करूंगा वहाँ पे जाके आई रोस्टेड माल डक ठीक है एक डक ऑर्डर करूंगा रोस्टेड और सोपी ने उसी के साथ साथ सोचा था कि एक बोतल लेगा वो वाइन का एंड उसी के साथ थोड़ी सी चीज एंड अ कप ऑफ कॉफी एंड सिगार ठीक है सिगार इज अ काइंड ऑफ सिगरेट आई आई नो यू गाइज नो दिस सो वन डॉलर फॉर द सिगार वुड बी इनफ The total would not be as high as the call for the extreme revenge from the cafe management and yet the meat would be have leave him filled and happy from the journey of his winter land, okay. तो उसके पास क्या था सिर्फ़ एक डॉलर था जो प्रोबेबली बस यू you नो know, एक सिगार अफोर्ड कर सकता था लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं कुछ चीज़ तो अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन वो तो मंगाने वाला सब था तो उसने ये सोचा कि अगर मैं मंगा भी लूँगा तो सब मिला जुला के जो भी बिल बनेगा वो कोई इतना भी एक्सट्रीम नहीं होगा कि मतलब मुझ पर कोई बहुत बड़ा केस हो जाएगा ये बस छोटा मोटी सी चीज़ें होगी ठीक है वो मुझे चिल्लाएगा डांटेगा और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसका जो प्लान था कि जेल में जाना तो वो वही करेगा तो आई एम हैप्पी विथ दिस ठीक है तो विंटर लैंड ओके

Waiter's eye fell upon his tattooed trousers and decadent shoes. ठीक है तो वो जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर उसके कदम पड़े सोपी के तो जो हेड था ठीक है वेटर का जो हेड था उसकी आंखें पड़ गई किधर पे सोपी के ट्राउज़र पे ठीक है जो क्या था टेटर्थ था यानी कि पूरा फटा था और उसका शूज़ भी कैसा था बहुत पुराना धुराना ठीक है फट चुका था तो उसके मैंने जैसे कि बताया इसकी अपर बॉडी जो बहुत अच्छे से उसने वेल टू डू देख के ही लग रहा था लेकिन नीचे उसका कुछ और रास्ता इट वॉज़ हिज रियलिटी ठीक है कि उसके ट्राउज़र भी फटे हुए हैं उसके शूज़ भी फटे हुए Strong and ready hands turned him about the convey him in silence and has to sidewalk and evaded the ign ignorable faith and menaced maldek. तो क्या हुआ वो जो waiter का head था उन लोगों ने जब उसको देख लिया तो वो लोग आया और उसको कन्वेट किया यानी कि उसको you know silently बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ और उसको बाहर निकाल दिया ठीक है सोपी ने क्या सोचा कि चलो कोई बात नहीं ठीक है उसने क्या किया टाल दिया इस चीज़ को अवर्टेड उसको बोला कि चलो कोई बात नहीं क्या हुआ था आज बस मेरा इस चीज़ को लेके नसीब ख़राब था मेरे नसीब में क्या था माइल्ड जो था ठीक है जो वो ऑडियोग्राफर वो नहीं था उसने ज़्यादा से दिल पर बात नहीं ली बट ठीक है चलो कोई बात नहीं ऐसा सोचो ठीक है सोपी टंट ऑफ ब्रॉडवे इट सीम्स एट हिज रूट टू दी कन्वर्टेड आइलैंड वॉज नॉट टू बी एन ईजी वन सम अदर वेज ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डाइवर्स ठीक है तो सोपी जो ब्रॉडवे की तरफ जा रहा था जहाँ पे कैफे था वहाँ से वो आ गया और ऐसा लगता है कि उसका जो रोड था किस चीज़ का उसके जो ड्रीम आइलैंड था जिसे हम विंटर आइलैंड कह रहे हैं uh, जैसे हम विंटर आइलैंड कह रहे आ, कन्वेट यहाँ पे लिखा देखो ग्रेटली डिजायर जो जहाँ वो जाना चाहता था ठीक है इसका मतलब क्या होता है कि जो उसकी बहुत डिज़ायर जगह थी जो आइलैंड बहुत डिज़ायर था उसके लिए वो इतना भी आसान नहीं था कि वो बस सोचे और चला जाए उसको बहुत अच्छे कुछ और प्लान्स बनाने पड़ेंगे ठीक है डायवर्सड यानी कि कुछ अच्छे प्लान्स करने होंगे जब वो पहुँच जाए अपने डेस्टिनेशन पर ओके At a corner of 6th Avenue, electric lights and cunning displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. तो देखो हमने जैसे कि पढ़ा दो रास्ते थे एक क्या था ब्रॉडवे था और एक क्या था हमारा सिक्स एवेन्यू था ठीक है तो हमारे मिस्टर सोपी जो है वो तो ब्रॉडवे पर पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं यहाँ पर जो ब्रॉडवे था यू नो कैफ़े वगैरह जो था जहाँ पर उनका काम नहीं बना तो वो तो वो पूरा एक्सप्लोर कर चुके अब उन्होंने क्या सोचा कि अपोजिट साइड है जो ये हमारा एवेन्यू है सिक्स एवेन्यू अब वहाँ पर वो गए और वहाँ पर क्या था ना एक एक ऐसी शॉप थी जहाँ पे यू नो वेर से से आप ऐसे कह सकते हो कि वो क्या होता है ना कुछ ऐसे आर्ट वगैरह वगैरह की चीज़ें होती है ग्लास वगैरह बहुत सी ऐसी आर्टिस्टिक चीज़ें होती है ठीक है तो वो एक आर्टिस्टिक चीज़ें का शॉप था और वो विंडो को जो था दे, देखो हमने देखा है कि बहुत सी चीज़ों में ऐसे बाहर से वो लोग पूरी लाइटिंग वगैरह लेते हैं वो देख ही बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि जो नहीं भी खरीदना चाहता है वो सोचता चलो एक बार जाके हम देख के आते हैं अगर कुछ इनकेस अच्छा मिल गया तो ले लेंगे ऐसे तो इसी तरह से वो बहुत अट्रैक्टिव लाइटिंग वगैरह थी चीज़ों पर और विंडो वो जो था बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा था तो you know, ग्रेट फोर्स से किसी चीज पे मारना तो उस पत्थर को सोपी ने क्या किया उठाया जोर से उस ग्लास पे जो विंडो पे ग्लास लगा था कांच का उसको बहुत जोर से मारा ठीक है पीपल केम रनिंग अराउंड कॉर्नर पुलिस मैन इन द लीड तो जैसे ही इतनी जोरदार आवाज आई तो क्या हुआ लोग भागने लगे और पुलिस एक मैन था पुलिस वाला वो सबसे आगे था लाइक like, लीड कर रहा था सबसे आगे था और उसके पीछे बहुत लोग भाग रहे थे कि भाई क्या हो गया ऐसा ठीक है सोपी स्टूड स्टिल विथ हिज हैंड इन हिज पॉकेट एंड स्माइल एट द साइट ऑफ ब्रास बटन्स तो लेकिन जब वो लोग वहां पर पहुंचे जो पुलिस मैन और जो भी लोग थे जो भी पब्लिक थी आस की वो वहां पर पहुंची तो उन्होंने पाया ये कि सोपी वहीं पर खड़ा है जहाँ से उसने पत्थर मारा था और उसके दोनों हाथ कहाँ आए हैं उसके पॉकेट्स और वो क्या कर रहा है? स्माइल कर रहा रहा है है स्माइल और किस तरह से देख रहा है like, लाइक स्माइल करके ऐसे इशारे कर रहा है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है लाइक आई डोंट हैव एनी मनी ब्रास बटन यानी कि ना एक ऐसा आदमी देखो इसका दो मतलब होता है ठीक है एक यहाँ पे इसका ये भी एक ना ये टाइप ऑफ फ्लावर भी है ठीक है एक तरह का एक प्रकार का ये फ्लावर है और दूसरी तरह से इसका ये भी मतलब होता है कि जिस इंसान के पास कुछ भी पैसा ना हो ठीक है एकदम कंगाल आदमी तो वो इस तरह से ऐसे अपने पॉकेट्स में हाथ रखा हुआ है और वो ऐसे स्माइल कर रहा है लोगों की तरफ पुलिस मैन एंड इंक्लूडेड ऑल अदर पीपल और देख के ऐसे इशारे से आंखों से करें आई डोंट हिफ लाइक आईब्रोज ऊपर वगैरह करना ठीक है वेयर इज़ द मैन डैट डोन डैट इंक्वायर ऑफिसर एलिजेटली ठीक है तो पुलिस वाले ने जब उसे देखा कि वो वहाँ पे खड़ा तो पूछा कहाँ है वो आदमी जिसने ये किया एकदम गुस्से में अग्रेशन में और यू नो एकदम वो ऐसे नर्वस भी थे कि वो कहाँ भाग्य क्यों है ऐसे ये करके किसी को क्या मिल गया ऐसे ठीक है तो वो इस तरह से इंक्वायरी करने लगे किससे उन्होंने पूछा सोपी से पुलिस ने पूछा ओके ओके देन सोपी ने क्या कहा डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन समथिंग टू इट साइड सोपी विद अ फ्रेंडली वर्स एस वन ग्रेट फॉर्च्यून ठीक है तो जब पुलिस वाले ने यह क्वेश्चन किया सोपी से कि कहाँ गया वो आदमी जिसने ये सब किया था तो उसने कहा सोपी ने क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं हो सकता हूँ वो जिसने ये सब किया हो और किस तरह से उसने बोला बहुत ही फ्रेंडली टोन में इस इतनी अच्छी आवाज़ में लाइक अब उसे ऐसा लगा कि मुझे दुनिया भर की खुशियाँ मिलने वाली है इस तरह से इतने प्यार से बोला ठीक है पुलिस वाले को कि क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब मैंने ही किया द पुलिस मैन रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू लेकिन पुलिस मैन ने बोला कि भाई कोई ऐसी चीज़ें मतलब ये कर ही नहीं सकता ये इतना प्यारा आदमी है लाइक वो इतने प्यार से बोला ना कि पुलिस वाले को लगा ना ये इतने प्यारा आदमी मतलब इतना अच्छा टोन इतना स्वीट आदमी है ये क्यों ऐसे करेगा कुछ की तो पुलिस ने उसको ऐसा कंसिडर ही नहीं किया कि ये इंसान भी कुछ कर सकता है ओके मैन हु स्, स्मैश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस तो पुलिस वाले ने देखो ये भी एक बहुत लॉजिकल चीज़ है कि एक तो वो बहुत यू नो स्वीटली बोल रहा था तो पुलिस वाले को लगा वो बहुत अच्छा इंसान है एंड नेक्स्ट थिंग पुलिस वाले ने यह सोचा कि जो लोग ऐसा विंडो तोड़ेगा कोई आदमी अगर ये चीज़ करेगा किसी की विंडो तोड़ेगा तो वो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि वो ऐसे खड़ा नहीं रहेगा ताकि मैं चैट कर पाऊँ पुलिस से आराम से वो बात तो बिल्कुल भी नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा वो भाग जाएगा ठीक है दे टुक देर हिल्स इसका मतलब क्या होता है कि वो भाग जाएगा ठीक है तो पुलिस ने ऐसा सोचा जबकि सही बात है, है? कोई भी नॉर्मल तो ऐसे नहीं करेगा अगर कोई कुछ क्राइम करे तो फॉरन भागे गई दुलिस कार और जैसे ये सब सोच रहा था पुलिस वाला उतने में ही क्या हुआ कि उसे एक आदमी दिखा पुलिस मैन जो थे उनको एक आदमी दिखा जो भाग रहा है दूसरी तरफ ठीक है जिस तरफ वो लोग खड़े हैं उसी तरफ से दूसरी तरफ वो भाग रहा है ताकि वो एक कार में बैठ सके ठीक है कैब है जिसमें वो

हो गया उसका जो अटैम्प्ट था उसने इतनी मेहनत किया था वो फेल हो गया इसका उसको अफसोस था अफसोस था और उसी के साथ साथ ये चीज़ भी उसके लिए वर्क नहीं कर पाई ओके